ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਫ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। अजोके दौर च वातावरण नूं साफ सुथरा बनाने लई हरियाली खास मायने रखती है। हुण इस मनोरथ तहत श्री हरिमंदर साहिब विखे परिक्रमा दीआं छत्तां ते चुफेरे खुशबूदार बूटे लाए गए ने, जिस नूं रूफ गार्डन दा नां दिता गया। दरबार साहिब कंपलैक्स विच वर्टिकल गार्डन लाउण तों बाद श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों हुण रूफ गार्डन बनाया जा रहा है। दरबार साहिब तों इलावा एसजीपीसी दे अधीन आउंदियां सरावां दीआं छत्तां ते वी अजिहे खुशबूदार गार्डन बनाए जाणगे, जो माहौल नूं महकदार बनाउणगे। इस तों इलावा श्रोमणी कमेटी वेल प्लांट वी लाएगी। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब च रोजाना लखां प्राणी श्रद्धा सत्कार भेट कर लैंदे आ, पर क्योंकि मार्बल लगा होने करके वाइटनैस होने करके तो इत्थे गर्मी का बहुत प्रकोप हो जाता। अमृतसर वैसे भी गर्मी सब तो वध पैंदी आ। दूसरा इत्थे जिहड़ा प्रदूषण दा सी उह पद्धर बहुत उपर चल गया सी, हवा भी प्रदूषित हो चुकी सी, पानी भी प्रदूषित हो चुका। तो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों असी जतन किया कि सचखंड श्री हरिमंदर साहब कंपलैक्स के कुदरती वातावरण पैदा किया जाए। भावें कि यह कार्य जिहड़ा 2006 दे विच मैनूं मैनेजर की सेवा मिली सी, मैं सचखंड श्री हरिमंदर साहब की परिक्रमा च बूटे लाने उदों शुरू करवाए सी, पर वो प्रोजैक्ट कंप्लीट नहीं सी हो सकिया। हुण असी वर्टिकल गार्डन के तौर पर 35,000 के करीब जिहड़े प्लांट्स ने वो लगाए ने, जिहदे विचों 20% वह प्लांट ने जिहड़े मौसमी फुल ने, तो वो 3 महीने बाद मौसमी फुल खत्म हो जाते हैं, तो 20% असी चेंज कर रहे हैं। बाकी 80% जड़े ने एवरग्रीन ने, परमानेंट पौधे ने। इस तरह ही क्योंकि सचखंड श्री हरिमंदर साहब का जिहड़ा चुगिरदा वा जगह बहुत कीमती आ, जगह की बहुत घाट आ, तो चुगिरदे की जगह की वरतों वास्ते असी जिहड़ा साडा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक आ उहदे उपर असी पहला एक पायलट प्रोजैक्ट वजों रूफ गार्डिंग का शुरू किया, जिहदे कि तुसी जिहड़े पौधे आ उहनां दी हरियावल देख सकते हो, उहनां दी हाइट देख सकते हो, उहनां दी ग्रोथ देख सकते हो। इहदे विच असी कुछ एवरग्रीनज वेल जिहड़ियां लगाईआं ने तां कि वेलां उपरों थां नूं लमक सकण, तो जिहड़ा कुदरती वातावरण आ वह बहाल हो सके, पोल्यूशन कंट्रोल हो सके, तो वातावरण शुद्ध साफ तो सोहना लग सके। इस कार्य लिए हुण असी साडा फाइनल स्टेज आ कि सचखंड श्री हरिमंदर साहब जिहड़े बरांडे आ उहनां दीआं उपरलीआं छत्तां ते असी कर रहे हाँ हैंगिंग वेल्स लगा रहे हाँ। हैंगिंग वेल लगाउण दा साडा मंतव इक्को ही आ कि जिहड़ी ग्रीनरी आ उह वध तों वध हो सके, जिहड़ा कुदरती वातावरण आ उह क्रिएट होवे, तो प्रदूषण जिहड़ा वा उह घट जावे। असीं यतनशील हाँ कि सचखंड श्री हरिमंदर साहब का जिहड़ा चुगिरदा वा प्रदूषण मुक्त हो सके। इस कार्ज वास्ते असीं प्रेमियां नाल संपर्क किया सी, सहारनपुर तों असीं कुछ बूटियां दी कुछ वेलां दी पछाण की आ, कुछ वेलां जिहड़ियां ने असीं कलकत्ते तों जिहड़े साडे गुरु घर दे प्रेमी ने उह सानूं दे रहे ने, लै के उह देख रहे ने कि जिदा साल दे विच चार मौसम आउंदे आ, 3-3 महीने बाद मौसम बदलदे आ, उन्हां वेलां नूं इस तरह लाया जावे वी जिहड़े वेलां दे फुल ने ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਖਤ ਨੇ ਬੇਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਗ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ
कर रहे हैं। जिहड़े असीं बाहरों हुण वेलां भी मंगा रहे हैं वह एग्रीकल्चर बाहरां दी राय अनुसार मंगा रहे हैं कि जिहड़ियां अमृतसर के वातावरण के नाल अनुकूल भी हो सकन, चल भी सकन, तो इत्थे दे वातावरण नूं हरिया भरिया भी बना सकन। साहब एक सवाल, संगत नूं की उपदेश इस तों जांदा है कि जिदां वातावरण नूं हरिया हो? संगत नूं असीं कोई उपदेश नहीं दे सकते, संगत नूं इक्को ही बेनती आ कि जगत गुरु गुरु नानक देव जी महाराज दा असीं 550 साल प्रकाश गुरपुरब मना रहे हैं। इस पावन मौके पर जिहड़ा गुरु नानक साहब ने सानूं आदेश किया वा, जिहड़ा हर सिख सवेरे नितनेम दी बाणी च गुरु नानक साहब दा सलोक पढ़दा, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, उहनूं प्रदूषण होण तों बचाउणा चाहीदा, पाणी दी संभाल करनी चाहीदी आ, हवा दे प्रदूषण नूं कंट्रोल करना चाहीदा। पाणी क्योंकि बहुत थले जा चुका, पंजाब बर्बादी की कगार से खड़ा वा, सानू पानी की संभाल वो तो वध करनी चाहिए आ, पानी की दुरवरतों रोकनी चाहिए आ, तो पानी नू प्रदूषण होने तो रोकना चाहिए। एस डी पी सी वालों पहले पड़ा दे विच दरबार साहिब की परिक्रमा दी छतां ते गमले ला के इन्हां दे विच खुशबूदार फुलां वाले पौधे ला दिते ने, ते सारे पासे हरियाली का माहौल दिखाते ने ये पौधे। ये बूटे खास तौर पर कलकत्ता, धर्मपुर ते होर वड्डे शहरों तो मंगवाए गए ने। रूफ गार्डन पिछे एस जी पी सी का मकसद वातावरण नूं प्रदूषण होने तो बचाउणा ते हरियाली बरकरार रखना है। श्रोमणी कमेटी दूजे पड़ाव विच परिक्रमा दीआं मेन छतां दे उपर वेलां भी लाउण जा रही है। श्रोमणी कमेटी ने बारिश के मौसम तो पहला ये पौधे ला के बारिश के पानी का लाहा लैण दी भी योजना बनाई है। नाल ही इस काम दे विच श्रोमणी कमेटी खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाणा दे माहिरां तो इलावा बागबानी माहिरां दी भी राय लै रही है। सचखंड श्री हरिमंदर साहब के चुगिरदे च बनाए जा रहे रूफ गार्डन के आधार पर साडी इस खास पेशकश विच वेला हो गया एक ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद जल्द मिलते हैं। सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होने वाली संगत वालों भी इस उपराले की खास शलाघा की जा रही है, तो संगत को भी इस गल का पता लग रहा है कि इन्हां फुल बूटियां का वातावरण को शुद्ध करन दे विच की योगदान है। हजारों की गिनती चलाए गए बूटे नाल श्री हरिमंदर साहब की खूबसूरती नूं चार चन्न लग गए ने। खास गल यह है कि रूफ गार्डन चलाए गए सारे बूटियां च एक तरह के फुल लगनगे जो मनमोहक दृश्य पेश करनगे। दूजे पासे संगतां विच भी इस उपराले नूं लैके काफी खुशी जताई जा रही है। बहुत चंगी गल है जी, बूटे लगे जे बेलां लगिया ना बाग गार्डन ला रहे बाग, बहुत वधिया सोहनी गल है कि इदू भी जो ये वड्डे होणगे सोहणे लगणगे, फुलणगे फल लगणगे फुल लगणगे इन्हां दे, इदू वधिया बणनगे। वातावरण जो गर्मी वास्ते, पानी वास्ते भी, बारिश वास्ते भी, मीह वास्ते भी चंगे ने, ये वातावरण वास्ते जरूरी हरेक नूं लाउणे चाहीदे ने। आ जिहड़ा उन्हां ने बूटे लाए पर बहुत वधिया कीता जी, बहुत वधिया उपराला, इस तरह पोल्यूशन घटूगा, एनवायरमेंट का फर्क पैंदा, नहीं मत सू फर्क पैंदा, बहुत वधिया किया जी इन्होंने। जिहड़ा दरबार साहब पानी भी जमीन च भेजिया जिहड़ा खराब, वह भी बहुत वधिया किया, बड़े चिर तो साडी इहदी सोच भी चल जाए, बहुत वधिया होया जी। अपने घर भी आप लाइए तो एनवायरमेंट घटाइए, पोल्यूशन घटेगा, सब कुछ घटेगा, वधिया हो जाएगा। ये पौधे हरियाली वास्ते लगे ने, वातावरण सही करने वास्ते रखे ने, और देखने भी अच्छे लगते हैं, इस करके लगाए गए हैं। लोगों भी लगाने चाहिए ने ताकि उन्होंने भी घर के वातावरण लागे अच्छे होए, हवा साफ होए, प्रदूषण घटेगा। ये बहुत वधिया उपराला जी, जी सात संगत कर रही है या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के
थ्रू हो रहा है तो सानू भी सारे पब्लिक नू सेध लेनी चाहिए इस तो तुर क्योंकि ये पशु पक्षियों वास्ते भी एक श्रेय का साधन है वातावरण शुद्ध होएगा तो सानू ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलेगी तो सानू वध तो वध उपराला करना चाहिए बल्कि लंगर भी लगाने चाहिए ने कि असीं ये बूटे वंडिए आने वाली पीढ़ी नू भी एक अनोखा महकदा होया संदेश एक नाल जी देखो चारों तरफ ट्रैफिक तुहानू फैक्ट्रियां ट्रैफिक हर तरह का तो हरियाली जिहड़ी है हरियाली नू मन भी खुश हुंदा है तो ओबजर्व करदी एक जिहड़े ग्रीन वातावरण हैगा ना ओबजर्व करदी कार्बन हाइड्रेट नू तो उहदे वास्ते बहुत वधिया है कि जिहड़ी गोल्डन टैंपल की बिल्डिंग हैगी है उहदे वास्ते भी मतलब पोल्यूशन फ्री वातावरण तो हरियाली ज़्यादा ये हो रही है एक देखने भी नज़ारा अच्छा है एक पशु पंछियों वास्ते भी वो है और उस तो बाद सब तो ज़्यादा कि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो सब तो एक बड़ा पॉइंट है कि सानू ए उपराले करने पैणगे ता कि वातावरण आप स्वच्छ रख सके हरियावल जी बहुत चंगी है क्योंकि ये ऑक्सीजन जी बंदे हर एक मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड जी कोई भी पौधा वो खाता तो ऑक्सीजन सानू देता तो सजावट भी ये बहुत वधिया रहिंदी है दरबार साहब जिहड़े फुल लगे आ जां गमलियां च लगे जिवें सामणा आपां वेख रहे हां हरियावल इहदा हर इक नूं फायदा ही फायदा सजावट पक्षों भी और ऑक्सीजन पक्षों भी सो मैं तो कहूँगा भी बहुत ज़्यादा जाने कि हरियावल होनी चाहिए आ जिमें कि आप नन्नी छां जी ये पौधे बाहर ला रहे हैं वो भी स्कूलों से लग रहे हैं सड़कों पर लग रहे हैं ये साड़ियाँ बीमारियां घटनगियां और ऑक्सीजन जी मिलेगी तंदुरुस्ती मिलेगी सो मैं तो ये कहना चाहूँगा ये तो भी वेखो जी लाने चाहिए वे है मैं तो हूँ पौधे जिन्हें होने जिन्हें पौधे वध होने उन्निया बीमारियां घटनगियां पौधे जलाया रूप गार्डन तो बहुत अच्छा है ऑक्सीजन मिलती है हरियाली मिलती है मन शांति मिलती है देखने बहुत सुंदर लगते हैं बहुत अच्छा लगता है सुन सोने सुहागा हो गया जो पौधे खिलेंगे हरियावल जाएंगे सोने सुहागा हो जाने दरबार साहब हफ्ते च वाहेगुरु की कृपा ने तीन चार बारी आ जाने तो सानू बहुत सुंदर लगता बूटे लगाए ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं जिहड़ी हवा जिहड़ी साफ सुथरी आ रही है तो बहुत सोहना इस तरह ही पौधे लगाने चाहिए तो होर बहुत वधिया संगत रही गुरु बहुत ही ज़्यादा बहुत सजावट जरा जी वध गई है बहुत ही वधिया लग रहे हैं बूटे तो इस तरह ही सुंदर लगते हैं तो होर भी लगाने चाहिए लोगों भी जी हवा जी साफ मिलती है हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल हाँ घर च लाओ जो अपना रुख बिल्कुल जरूरी लाने सड़कों पर भी लाने चाहिए खास जे गुरु घर लगे है ये सुंदरता वाहेगुरु की अगे बहुत ते जेड़े बूटियां दे नाल आउण दे नाल बहुत ही सुंदर बूटे लग रहे हवा जी साफ सुथरी आ रही है वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी ग्रीनरी में एक तो अपना जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है उसमें से ऑक्सीजन मिलती है हरियाली रहती है बारिश बहुत होती है उसी वजह से हर एक आदमी को ग्रीनरी में ध्यान देना चाहिए अपने घर के आगे पौधे लगाने चाहिए जिससे वो ग्रीनरी बढ़े हम तो गुजरात में हमारे घर के आगे एक ट्री लगवाना ज़रूरी है हमारे यहाँ तो क्योंकि हमारे J&K में देखा जाए तो ये जो हरियाली है ये हमारा जो पदाशी कल्चर है तो जब मैं अमृतसर आया अपनी फैमिली के साथ तो जब देखा यहाँ पर हरियाली और मुझे तो बहुत अच्छा लगा मैं तो आपके वहाँ आपके चैनल से ये लोगों को यह पैगाम देना चाहता हूँ आप घरों में भी ये जो हरियाली है इस तरह के पौधे लगाएं और पौधे देखो ना घर में अच्छे लगते हैं लगाने से और जब दरबार साहब की तो ऐसी बात तो पूरे वर्ल्ड में की जाए तो बहुत कम है लेकिन यहाँ जो जो हरियाली की गई है बहुत खूबसूरत लग रही है तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल वालों का गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ जो दरबार साहब पहुँचे और जो हमारी कवरेज है वो लोगों तक पहुँचाएंगे इतने दरबार साहब ने जो उपाला किया है हरियाली वास्ते पौधा वास्ते कहते हैं पौधा तो पूत कोई फर्क नहीं है जो आप पुतों को संभालते हैं ना उस तरह सानू पौधा संभालना पेगा क्योंकि ये ही साड़ी जिंदगी हैगी सांस जिदा लेंदे छड़ी दे ना कार्बन डाइऑक्साइड जी है कवर कर दिया जिन्हें कट्टांगे इनू समझ लो अपनी जिंदगी कट्टी जा रहे हैं जिन्हें पेड़ लावांगे समझ लो अगे वास्ते आने वाली पनीरी वास्ते भलाई करेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है ये सिर्फ दरबार तक सीमित ना रहे ये हर जगह है ये सिर्फ पंजाब तक सीमित ना रहे ये दिल्ली भी होए ये तुहाडा हरियाणा भी होए ये तुहाडा यूपी भी होए हर जगह हर किसी नूं अपनी जिम्मेदारी समझनी पेगी तो ही यह सफल कर जाएगा दरबार साहब ने अपनी ड्यूटी की हैगी एक सुनेहा दिता है लोगों को कि तुसी इस तरह छोटे छोटे जिहड़े हैंगे पौध लाओ ये वड्डे वृक्ष हो के यही तुहानूं फल देणगे श्री दरबार साहब विखे नतमस्तक होने वाली संगत इस गल का खासा उत्साह है तो लोगों
वातावरण नु साफ सुथरा रखन ते वध तो वध हरियाली कायम करन दी सेध भी मिल रही है। साडी खास पेशकश इसे तरह जारी रहेगी। वेला हो गया एक ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद जल्द मिलते हैं। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਛੱਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੂਫ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 4x4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਮਲੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਮਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੁੱਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਪੌਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਲੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਮਲੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੇਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਪੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਿਆ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਇਹ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੌਦੇ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਵਧਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਸਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੌਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਇੱਥੇ ਵਧੇਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਹੈ ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ
इस दी उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चारे पासे हरियाली दे लगा के पेश की। उस तो यह एक मैसेज आता है कि सानू सारयां नू इत्थे पौधे वध तो वध लगाउणे चाहीदे ने, रुख वध तो वध लगाउणे चाहीदे ने ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹਰਿਆਲਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੂਪ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੂਫ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।